पिछले दो वीडियो में हमने देखा कि स्केच के बेसिक्स क्या क्या होते हैं, स्केच को करने से पहले हमें कैसी तैयारियां करनी चाहिए और किस तरह से हम अपने स्केच के पावर को बढ़ा सकते हैं, और मसल मेमोरी मतलब एक पूरे इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन के लिए हमारी जो हाथ की जो ग्रिप है वो किस तरीके से होनी चाहिए, हम अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं इन सभी बेसिक स्ट्रोक्स और जो बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स के थ्रू। जब आपका ये मसल मेमोरी और मसल पावर जो बढ़ जाता है, ये जो कोऑर्डिनेशन होता है जो दिमाग और हाथ का, ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो फिर क्या होता है कि आप किसी भी एलिमेंट को देखकर उसको ठीक से ऑब्जर्व कर सकते हो और उस शेप को एनालिसिस करके अपने पेंसिल के थ्रू उस कमांड को पूरा कर सकते हो। अब जैसे ये मैंने बैटरी बनाया, एक सबसे पहले एक सवाल तो ये होता है कि मेरे पास स्केच पैड है, पेंसिल है, पेन है या जो भी है, सब कुछ है, पर मैं बनाऊं क्या? आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, स्टे होम स्टे सेफ। घर के अंदर ही इतने सारे एलिमेंट्स हैं आपके आसपास जिनको आप ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकते हो। आप घर पर कोई ग्लास ले सकते हैं या फिर कोई कटोरा या फिर बाउल और बॉटल, पानी की बोतल जो प्लास्टिक हो चाहे कैसी भी हो, आप उन बॉटल को आउटलाइन के थ्रू ड्रॉ कर सकते हो। और ये उन सभी बेसिक स्ट्रोक्स और बेसिक शेप्स को, जैसे मैंने बताया था कि सर्कल को, मतलब जब तक सर्कल वाली फीलिंग नहीं आ जाए तब तक नहीं छोड़ना, और स्क्वायर एक बार में, आप एक बार में भी इस तरह से बना सकते हो और इस तरीके से भी बना सकते हो। तो उनके सहारे आपको आउटलाइन ड्रॉ करनी है। अब जैसे मैंने एक इस तरह का कंटेनर लिया है और उसको सामने रख दिया है, अब मैं उसकी आउटलाइन बनाता हूँ। दूर रखेंगे थोड़ी दूर पे, और पहले बिल्कुल एकदम हल्के हाथों से, मैंने बताया है ना, ये हिस्सा ये इस तरह से नहीं चलना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। आपको आदत बनानी होगी कि हवा में हाथ रहे, पेंसिल टच हो और हाथ को हवा में रखना, ये टच नहीं होना चाहिए। इस तरीके से बनाया हल्के हाथों से, फिर ध्यान रहे इरेजर और शार्पनर यूज नहीं करना। आप पेंसिल को शार्प कर सकते हैं, उसको अच्छे से घिस लें ताकि स्मूथ चले, और 4B और 6B की पेंसिल यूज करें। और अगर 4B और 6B ना भी हो तो आपकी पेंसिल इस तरीके से शार्प करके, और ये स्मूथ होना चाहिए। जैसे आपने ये देखा, ये अंदर की लाइन मैंने बिल्कुल एकदम हल्के हाथों से बनाया और बाहर वाली लाइन को ओवरलैप कर दिया। इस तरीके से एक शार्पनर है मेरे पास, मैं उसको देखकर बना रहा हूं। ऐसे आउटलाइन के थ्रू ही आपको प्रैक्टिस करना है। आपको ड्राइंग कैसी करनी है, जैसे ये एलिमेंट है, अगर आपने इसको सामने रखा, यदि आपको ऐसी दिख रही है शेप, तो आपको ये आउटलाइन यहाँ से यहाँ और ये जो दिख रहा है जहाँ तक आपको दिखेगा वो आउटलाइन आपको ड्रॉ करना है। जैसे इनिशियल स्टेज में आपको शेडिंग की ज़रूरत नहीं होगी, शेडिंग आपकी तभी मजबूत हो सकती है जब आपकी आउटलाइन ज़्यादा अच्छी हो। आउटलाइन के थ्रू अगर आपने ऑब्जेक्ट को
ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया और ऑब्जर्वेशन अच्छी हो गई, तो आपकी शेडिंग भी, लाइट एंड शेड का भी नॉलेज अच्छा हो जाएगा और आप जो ऑब्जर्व करेंगे उसको एज इट इज आप स्केचबुक में उतार पाएंगे। अब जैसे ये चार्जर है, इसमें आपने देखा एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो अगर यदि ये सामने इस तरीके से है तो आपको सिर्फ इतना ही दिखेगा। यदि आप टेबल में इस तरीके से रखते हैं तो फिर आपको अब आपने देखा ये जो रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल भी है इसके अंदर, और यही हमें इस चार्जर का शेप देगा। तो इस तरीके से आप अपने घर पर कुछ भी मिले उसका प्रैक्टिस करिए और उसका सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ करने की कोशिश करिए। इसके लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है कि कप और प्लेट, जैसे हम बचपन में बनाया करते थे। ऐसे आउटलाइन बनाइए, खूब सारी बनाइए, जितनी हो सके उतनी बनाइए, पर एक चीज का ध्यान रखना कि इनसे पहले आप अपने बेसिक स्ट्रोक्स का अच्छे से प्रैक्टिस कर लें।